शहर के मुसलमान अपनी शादी या निकाह में निकाह से पहले निकाह के अंदर हर किस्म की आतिशबाजी नहीं की जाएगी और किसी किस्म के नाच गाने बाजे गाजे पनाह चढ़ना ये नहीं किया जाएगा। अगर शादी में बैंड बाजा और डीजे बजा तो ना हम निकाह पढ़ाएंगे और ना पढ़ाने देंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना है बुलंदशहर के उलेमाओं का। उलेमाओं का ये बयान अब हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर के उलेमाओं के अजीबोगरीब इस बयान ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। उलेमाओं का कहना है कि अगर मुस्लिम शादी में नाच गाना और डीजे बजता है तो वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे और ना ही किसी दूसरे उलेमा को निकाह पढ़ाने देंगे। बता दें कि जिले के सिकंदराबाद इलाके की शाही जामा मस्जिद में जमीयत उलेमाए हिंद की स्थानीय शाखा के बैनर तले उलेमा नगर के मुस्लिम संगठनों मस्जिदों और मदरसों के जिम्मेदारों की एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से शादी विवाह में डीजे बजने पर निकाह ना पढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि अगर निकाह में आतिशबाजी नाच गाना हुआ तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। मदारिस व शहर के तमाम इलाकों के मुआज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान और सभी बिरादरी के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मजलिस मुनक़िद हुई जिसकी सदारत जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद असद साहब खान बरकातुल कासमी ने की और निज़ामत के फ़राइज जनाब मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी ने अंजाम दी। ये मजलिस जमीयत उलमा शहर सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर दर्ज ज़ेल उमूर पर गौर खोज किया गया और तजावीज पास की गई और इत्तिफाक राय तय किया गया कि तारीख 1 जनवरी 2023 से शहर के मुसलमान अपनी शादी या निकाह में निकाह से पहले निकाह के अंदर प्रोग्राम में निकाह के बाद किसी भी किस्म की आतिशबाजी पटाखे अनार फुलझड़ी बाजे गाजे डीजे नाच गाना और बाप का चढ़ाना ये हर किस उनके लिए बैन कर देगा ममनू करार दिया गया। हर किस्म की आतिशबाजी नहीं की जाएगी और किसी किस्म के नाच गाने बाजे गाजे पटाखे चढ़ना ये नहीं किया जाएगा। तरगीब और तरगीब के बाद अमल न करने की सूरत में शहर और दीगर जगह से कोई भी आलिम हाफिज कारी मुफ्ती साहिबान निकाह नहीं पढ़ाएंगे और ना ही किसी को पढ़ाने दिया जाएगा इंशाल्लाह। नीज कोई भी आलिम हाफिज कारी मुफ्ती और दीगर जिम्मेदारान बिरादरी इन प्रोग्राम में शिरकत भी नहीं करेंगे। ये फैसला सभी की ताईद से मुत्तफिका तौर पर किया गया है लिहाजा उस पर इंशाल्लाह सख्ती से अमल किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी हतमी फैसले के लिए जो 5 रुकनी उलमा और जिम्मेदारान की शुरा बनाई गई है वो जो भी फैसला लेंगे वो उनका आखिरी और हतमी फैसला होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस फैसले में बरकत अता फरमाए करते हैं इंशाल्लाह। उलेमाओं का कहना है कि शादी में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। कहा कि नए साल यानी 1 जनवरी 2023 से ये फैसला लागू होगा। 1 जनवरी से अगर किसी मुस्लिम शादी में डीजे बजता है तो वहाँ निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। इनके यहाँ आज बेटे के बारात जा रही थी लेकिन आज जामा मस्जिद के अंदर मीटिंग हुई जिसमें डीजे वगैरह और इसी तरीके से घोड़चड़ी वगैरह के लिए मना किया गया और तमाम सिकंदराबाद के आइम्मा का और जिम्मेदारान का सब मान गए। बहरहाल उलेमाओं ने इस फैसले के पीछे नेक मकसद बताया। वहीं कुछ लोगों को ये फैसला उनकी शादी के लिए नागवार गुजर रहा है। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। वैसे इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए बुलंदशहर से संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।